नमस्कार, मैं हूं गुलाब्शा और आप देख रहे हैं दिल्ली एंड ट्रेंड। बीते दिनों इंडियन एयरफोर्स के एक लापता हुए विमान AN-32 के मलबे की तलाश का अब पहला वीडियो सामने आ गया है। खबरों के मुताबिक और वायुसेना की तरफ से दी गई जानकारी के मद्देनजर वायुसेना अधिकारियों, पर्वतारोहियों और सेना की एक टीम को तलाश के लिए रवाना किया गया है और विमान के मलबे के संभावित स्थान के आसपास सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि इन सब के बीच डिफेंस PRO विंग कमांडर रत्नाकर सिंह ने बताया कि क्रैश साइट का पता लगाने के बाद एक टीम को लोकेशन के लिए रवाना किया गया है और इस टीम में सेना के साथ वायुसेना के अधिकारी और कुछ पर्वतारोहियों का भी एक दल मौजूद है। वहीं अब तक की साझा की गई जानकारी के अनुसार क्रैश की जो लोकेशन है वहां से कुछ दूर एक रेस्क्यू टीम को उतारा गया है और वहां से वो टीम पैदल ही रवाना होगी। बता दें कि भारतीय वायुसेना के लापता विमान AN-32 का मलबा अरुणाचल के सियांग जिले में मंगलवार को देखा गया और मलबे की पहली तस्वीर भी सामने आ गई है और वायुसेना का ध्यान विमान में मौजूद रहे 13 लोगों के वर्तमान हालत पर पूरी तरीके से जुटा हुआ है। वहीं ये दुर्घटना जहां हुई है वो पूरा इलाका काफी ऊंचाई पर है और घने जंगल के बीच, ऐसे में विमान के मलबे तक पहुंचना काफी चुनौती भरा हो सकता है। हालांकि आपको बता दें कि पूर्व अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियां बेहद ही रहस्यमयी मानी जाती है और यहां पर पहले भी कई बार ऐसे विमानों का मलबा देखा जा चुका है और कई सारे मलबे ऐसे हाथ लगे हैं जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लापता हुए थे। और अधिक खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए दिल्ली एंड ट्रेंड।